वेलकम माई फ्रेंड्स टू फैन ब्लेज वंस अगेन। आज है सैटरडे का दिन, वीकेंड का दिन, एंड दैट मीन्स आप लोगों के लिए फ्री लीग का दिन। 5K फ्री लीग कोड इस वीडियो में आप लोगों के लिए है। यह बारबेडोस ट्राइडेंट्स वर्सेस सेंट लूसिया किंग्स का मैच 7 मिनट में, और क्या है, मैच प्रीव्यू है, परफॉर्मर पिक्स है, बहुत अच्छी फैंटेसी टीम्स है एंड पंट पिक्स भी हैं। तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं हूं अकुल ढिंगरा एंड लेट अस बिगिन। हेड टू हेड 10-6 से बारबेडोस सेंट लूसिया किंग्स से ओवरऑल आगे है, मगर लास्ट 5 गेम्स देखी जाए तो सेंट लूसिया 3-2 से बारबेडोस से आगे है। पिछली 10 गेम्स बिल्कुल इक्वल है टीम्स के बीच में 5-5 से, एंड पिछले CPL दोनों मैचेस में सेंट लूसिया किंग्स ने बारबेडोस रॉयल्स को हराया है। और ये सीजन देखा जाए तो लास्ट पोजीशन पे बैठी है बारबेडोस की टीम, ओनली 2 wins and 6 losses टू द टीम। सेंट लूसिया नंबर 4 पे बैठी है और इनके जो दोनों मैचेस अब बाकी हैं वो बारबेडोस रॉयल्स के अगेंस्ट है। दे विल वांट टू विन बोथ ऑफ देम बिकॉज अगर 5th पे आती है दे वोंट क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। सबसे हाईएस्ट स्कोर टीम्स के बीच में है 226-6 सेंट लूसिया किंग्स का, एंड लोएस्ट स्कोर 89-7 है बारबेडोस का पिछले सीजन, and they were chasing down 92 and they could not chase down the total of 92 runs. Teams ke beech mein sabse zyada runs Barbados se hai, Johnson Charles ke 304 run, and dusri taraf Andre Fletcher ke 450 run versus the Barbados team. Sabse zyada wickets ek out of form player Jason Holder ki 10 wicket versus St. Lucia Kings, and dusri taraf we have Obed McCoy with 8 wickets to his name. Let's see if he is fit to play though today. Ab maine overall ki jagah is CPL ke record nikale hain. Is CPL highest score rahe 255 पे 5 का जमैका टालेवास का मैच नंबर 3 में, एंड लोएस्ट स्कोर जमैका टालेवास का ही रहा है 92 ऑल आउट मैच नंबर 19 में वर्सेस ट्रिनबागो नाइट राइडर्स। हाईएस्ट रन चेज इस सीजन कितनी रही है इस ग्राउंड पे 169-4 की सेंट किट्स की वर्सेस जमैका, एंड लोएस्ट डिफेंड स्कोर फर्स्ट मैच ऑफ द CPL में हुआ था, गयाना ने 142 डिफेंड किए थे वर्सेस ट्रिनबागो। और इस CPL इस ग्राउंड पे 24 मैच हो चुके हैं, एवरेज फर्स्ट इनिंग्स रहा है 161 का, एवरेज सेकेंड इनिंग्स रहा है 138 का। बैटिंग फर्स्ट की 13-11 से एडवांटेज रही है, बट ओवरऑल बारबेडोस इस ग्राउंड पे 8 मैच जीता है, 10 मैच हारा है, एंड सेंट लूसिया सिर्फ 6 मैच जीती है एंड 10 मैच हारी है। अनदर वार्म डे एक्सपेक्टेड 30-31 के बीच में टेम्परेचर रहेगा, देयर इज नो चांसेस ऑफ रेन, एंड हमने पिछले मैच में देखा कि एक नया विकेट यूज हुआ एंड वो शुरू में बहुत अच्छा खेला बैट्समैन के लिए, 200 से ऊपर रन बने, बट उसके बाद ये जो स्टिकी नेचर है सेकेंड इनिंग्स में उस विकेट का आ गया। एंड अगर हम पिछली डे गेम देखें तो वही स्टिकी टू पेस विकेट यूज हुई थी जहां पे बारबेडोस 100 रन भी नहीं बना पाई थी। तो वेरिएशन बोलर्स, स्पिनर्स एंड टॉप ऑर्डर बैट्समैन इज द वे टू गो। रन मेकिंग वेरी डिफिकल्ट इन द फाइनल 10 ओवर्स, वेरिएशन बोलर्स एंजॉय एंड टेक मोस्ट विकेट्स ऑन दिस ग्राउंड। इस CPL 344 सिक्सेस लग चुके हैं, और ये जो सेंट किट्स में डे गेम्स होती है 8-4 से बैटिंग टीम की एडवांटेज है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग, यस पिछले मैच में चेजिंग टीम जीती, बट आई एम एक्सपेक्टिंग द टीम वांटिंग टू विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट वंस अगेन। पिछले मैच में आप बारबेडोस की टीम देखेंगे तो ये थी, दे प्लेड अराउंड विद द बैटिंग ऑर्डर अ लिटिल बिट, रेमोन रीफर को उन्होंने नंबर 3 पे भेजा, आजम खान को पुश डाउन किया। आई डोंट थिंक इतनी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करेंगी आज बारबेडोस की टीम, एंड दूसरी तरफ सेंट लूसिया किंग्स की टीम में आई थिंक अगर कदीम अलेन है जो ये प्लेयर, इसे 3 विकेट जरूर ली पिछले मैच में, मगर अगर ओबेड मकॉय फिट होता है ही विल कम इन फॉर हिम, और मे बी डेविड वीसे एज वेल। इफ यू रिमेंबर डेविड वीसे बहुत सालों से T20 क्रिकेट खेल रहा है, 2007 में साउथ अफ्रीका के लिए वर्ल्ड कप टीम में था वो। स्टैंड आउट परफॉर्मर्स, वेल जीवॉल रॉयल हैज रियली इंप्रेस्ड, अपनी लास्ट 4 गेम्स में 11 विकेट लिए विद 3 3-विकेट हॉल्स, so he has been getting the wickets for his St. Lucia team. Roston Chase has been fantastic with bat and ball, 8 wickets hai CPL mein, plus last 5 innings agar dekhe 30 40 51 not out 64 not out 85, इस रीजन से ही हैज बीन सिलेक्टेड इन द वेस्ट इंडीज T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड एज वेल। केजरी विलियम्स आल्सो हैज 10 विकेट्स टू हिज नेम, पिछला मैच विकेटलेस गया बट आई एम श्योर ही विल बी बैक स्ट्रॉन्ग बिकॉज ये विकेट इसकी बॉलिंग को सबसे ज्यादा सूट करती है। जॉनसन चार्ल्स देखिए आप स्टार्ट सारी है 40 30 23, बट वो बड़ा स्कोर नहीं आया है ये लास्ट 4 इनिंग्स है नॉट लास्ट 3। जॉर्ज फिलिप्स अगेन ही हैज बीन गुड एंड बैड बिकॉज अगर आप देखें एक 44 है उसके बीच में 2 1 के स्कोर्स है, फिर 11 का स्कोर है, 2 स्टार्ट्स है 31 और 24 की, और एक 56 नॉट आउट है, बट आई एम बेटिंग दैट ही विल डू वेल टुडे। एंड देन दूसरी टीम से नीम यंग हैज बीन वेरी गुड एज वेल, 2 3-विकेट हॉल्स है इसके लास्ट 4 इनिंग्स में। आपके कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस, आई विल स्टिल से अगर आप GL खेल रहे हैं स्पेशली जेसन होल्डर को अपना कैप्टन बनाइए, ही विल बोल, ही विल बैट, ही कुड बी अ मैच विनर ऑन हिज डे एज वेल, बट जो सेफेस्ट कैप्टन ऑप्शन है वो है रॉस्टन चेज, रन आ रहे हैं, विकेट्स आ रही है, ही इज द परफेक्ट कैप्टन फॉर ऑल टीम्स। Fab du Plessis, another very good option. He has 100 to his name. He's not been named in the South Africa World Cup squad, so he will want to prove a point to the selectors.
वाइस कैप्टन में ग्लेन फिलिप्स है, इज अ डेंजर मैन इन दैट मिडिल ऑर्डर, एंड स्पेशली अगर जल्दी विकेट्स गिर जाए देन ही बिकम्स इवन मोर डेंजरस बैटिंग इन द फर्स्ट 10. रेमोन रीफर है जस्ट लाइक रॉस्टन चेज, ही इज बैटिंग, ही इज बोलिंग, ही इज डूइंग वेल. एंड जीवॉल रॉयल, मैंने अभी आपको दिखाया, 4 मैचेस में पिछले 11 विकेट है इसकी, सो ही मेक्स अ वेरी गुड वाइस कैप्टन ऑप्शन बिकॉज 3 विकेट हॉल्स भी है. तो दोस्तों मेरे परफॉर्मर प्रेडिक्शंस, ग्लेन फिलिप्स आई एम गोना बैक फ्रॉम बारबेडोस विद द बैट एंड नीम यंग विद द बॉल. दूसरी तरफ आई एम गोना बैक अ फैफ डुप्लेसी विद द बैट एंड जीवॉल रॉयल विद द बॉल. बट मेरे पंट पिक्स रेमोन रीफर फ्रॉम बारबेडोस रॉयल्स एंड रॉस्टन चेज फ्रॉम सेंट लुशिया किंग्स. एंड मेरे विनर प्रेडिक्शन, आई एम गोइंग टू गो फॉर अ सेंट लुशिया किंग्स विक्ट्री. दोस्तों जो पिछला हमने बारबेडोस और ट्रिनबागो की 11 रुपी लीग की थी, ये रहे उनके विनर्स. रिमेंबर वो रिवर्स फैंटेसी लीग थी, दैट मींस जितनी खराब टीम होगी, जितने कम पॉइंट्स होंगे वो जीतेंगे. और आप यहाँ पे वो देख सकते हैं, माही हेलीकॉप्टर, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द विन फॉर द लोएस्ट पॉइंट्स इन दिस लीग. आज ये लीग नहीं है दोस्तों, बट आज फ्री लीग है आप लोगों के लिए. अगर आगे बढ़ने से पहले इंस्टाग्राम पे फैन ब्लेज को फॉलो करिए, फैन ब्लेज फैंटेसी. टेलीग्राम पे t.me/fanblaze. मैं हूँ ऑन इंस्टाग्राम @AkulDhingra, मुझे जरूर फॉलो करिए. एंड बल्लेबाजी की ऐप, आप ये फ्री लीग सिर्फ तब खेल पाएंगे अगर ये ऐप होगी आपके पास, इसको भी डाउनलोड करिए. ये जो चारों चीज़ के मैंने आपको अभी बताए हैं, उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो ज़रूर वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं सारी चीज़ें एंड हमें फॉलो भी कर सकते हैं. दोस्तों ये है दो टीम्स आप लोगों के लिए. टीम वन हेड टू हेड कॉन्टेस्ट, वेरी गुड टीम. यहाँ पे देखिए आंड्रे फ्लेचर है, फैफ डुप्लेसी है एंड मार्क दयाल है. ये तीनों बैट्समैन टॉप 3 में बैटिंग कर रहे हैं. एंड जैसे मैं आपको बोलता हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी इज टू कीप द टॉप ऑर्डर बैट्समैन इन दैट टीम. ग्लेन फिलिप्स नंबर 4 पे बैटिंग कर रहा है, वाइस कैप्टन है मेरा. जॉनसन चार्ल्स ओपनर है, रॉस्टन चेज भी मिडिल ऑर्डर में कर रहा है एंड ही इज माई कैप्टन. रेमोन रीफर, जेसन होल्डर इज इन माई टीम विद नीम यंग, केजरिक विलियम्स एंड जीवॉल रॉयल. Young and Royal have been taking the wickets. Reefer can take 3-4 wickets as well on his day. Rostin Chase ki wickets aa rahi hai, Keswick Williams ki wickets aa rahi hai and Jason Holder is that punt player jo agar acha kar gaya, he could be the difference in that team. And then team 2 dekhi jaye to ye GL ke liye better team hai. Yahan pe Azam Khan hai with Andre Fletcher. टीम डेविड आ गया, ही हैड अ गुड स्टार्ट टू द CPL, उसके बाद थोड़ा फेड अवे हुआ है. कैप्टन मैंने बनाया है फैफ डुप्लेसी को. काइल मायर्स, स्मिथ पटेल, इसके 2 अच्छे स्कोर आए बट पिछले मैच में डक आई है. रेमोन रीफर को मैंने वाइस कैप्टन बनाया है, रोशन चेज भी है. मोहम्मद आमिर को ले आया हूं मैं इस टीम में विद जीवॉल रॉयल एंड नीम यंग, मेरे फिक्स है प्लेयर्स दोनों इस टीम में. अब दोस्तों ये है आप लोगों के लिए फ्री 5K लीग कोड CTBRSLK. जल्दी भर जाती है तो जल्दी जाइए, ज्वाइन करिए. आप एक नहीं, दो नहीं, 11 टीम्स तक फ्री में बना सकते हैं एंड इन द एंड यू विल विन रियल मनी. CTBRSLK. आई होप यू गाइस फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड अ ग्रेट वीकेंड अहेड. गुड बाय, दिस इज Akul Dhingra साइनिंग आउट.